नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका साथ की बात में। राजनीति से जुड़ी खबरों का रुख करें, उससे पहले जो दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है उसका हम रुख करेंगे। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा गंभीर है, ये हम लगातार पिछले एक महीने से सुन रहे हैं। भारत में अब तक 3,17,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि ज्यादातर लोग संक्रमण मुक्त भी हो चुके हैं, लेकिन 4,00,000 से ज्यादा लोग अब भी संक्रमित हैं, जो कि चिंता का विषय है। इसमें ज्यादातर मामले कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के हैं। डेल्टा वेरिएंट को लेकर लोगों में कुछ कंफ्यूजन भी है, जिसके जवाब हम यहां आपको दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन प्रभावी नहीं है। ये गलत सोच है। ये जो फैक्ट है आपके जहन में, उसे क्लियर करिए। सभी वैक्सीन कोरोना के वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं। आईसीएमआर की ओर से किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। आईसीएमआर के अध्ययन से पता चलता है कि कोवैक्सीन डेल्टा, डेल्टा AY.1 और B.1617.3 वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी है। भारत बायोटेक ने 3 जुलाई को तीसरे चरण के परीक्षणों से कोवैक्सीन प्रभावकारिता के अंतिम विश्लेषण को पूरा करते हुए कहा था कि कोवैक्सीन की कोविड के खिलाफ प्रभावशीलता 77.8% है और B.1617.2 डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% रही थी। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट चेचक की तरह आसानी से फैल सकता है। एक अमेरिकी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वैक्सीन के सभी डोज ले चुके लोग भी बिना टीकाकरण वाले लोगों जितना ही डेल्टा वेरिएंट को फैला सकते हैं। वैक्सीन ले चुके लोगों की नाक और गले में वायरस की मौजूदगी उसी तरह रहती है जैसे कि टीका नहीं लगने वालों में। डेल्टा वेरिएंट ऐसे वायरस की तुलना में अधिक फैलता है जो मर्स, सार्स, इबोला, सामान्य सर्दी, मौसमी फ्लू और बड़ी माता का कारण बनता है, और ये चेचक की तरह ही संक्रामक है। ये वेरिएंट गंभीर खतरे का कारण बन सकता है, जिसके लिए अभी कदम उठाने की आवश्यकता है, यानी कि अभी से ही अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी दुनिया ही कहीं ना कहीं कोरोना के बदलते स्वरूप को लेकर चिंता में है और अध्ययन लगातार जो वैज्ञानिक है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वैक्सीन की 2 खुराक लेने वाले लोगों में कोविड संक्रमण की चपेट में आने की संभावना गैर टीकाकृत लोगों की तुलना में 3 गुना कम है, ये स्टडी कहती है। ये दावा है एक रिसर्च के द्वारा। इंपीरियल कॉलेज लंदन के रिसर्चर्स के नेतृत्व में लगभग 98,233 लोगों पर रिसर्च की गई थी। जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था उनमें कोविड वैक्सीन की 2 खुराक प्राप्त करने वालों की तुलना में संक्रमण का 3 गुना अधिक प्रसार देखने को मिला, जो कि 0.4% की तुलना में 1.21% रहा है। ऐसे में आगे जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो डेल्टा बात करेंगे डेल्टा वेरिएंट की। इंडिया में लगभग अक्टूबर महीने में पहली बार डेल्टा वेरिएंट हिंदुस्तान में देखने में मिला। वेरिएंट क्या चीज़ होती है? देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं जो लगभग 1.5 साल से हम लोग जंग लड़ रहे हैं पेंडेमिक की, वायरस, वेरिएंट और वैक्सीन। 3 भी आपस में अपनी जंग में उलझे हुए हैं। वायरस अपने आप को बचाने के लिए अपना प्रारूप बदलता है, उस बदले प्रारूप को म्यूटेशन या वेरिएंट का नाम दिया जाता है। हमारे पास टेक्नोलॉजी में जो इसको रोकथाम का तरीका है वो वैक्सीन है। तो 3 वीज की लड़ाई आपस में अगर देखा जाए, ये 6 मात का खेल निरंतर लगभग 1.5 साल से चल रहा है। डेल्टा वेरिएंट की बात करें, अक्टूबर महीने में 2020 में पहली बार इंडिया में देखने को ये वेरिएंट मिला था। जीनोमिक सीक्वेंसिंग के माध्यम से हम किसी भी वेरिएंट का पता लगाते हैं। थर्ड वेव में जो लगभग
100 कंट्रीज में आने की संभावना है। डेल्टा वेरिएंट की प्रेजेंस लगभग 100-110 कंट्रीज में देखने को मिली है। बात इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसमें ऐसा क्या बात है जो अल्फा वेरिएंट से ये डिफरेंट हो जाता है, यानी कि पहली वेव जो अल्फा की थी, दूसरी डेल्टा की थी, तीसरी की अगर माने तो वो डेल्टा वेरिएंट के रूप में आने की संभावना है। पहली दो वेव से इसमें क्या अलग हो सकता है, वो ये है कि ये कंटेजियस, यानी कि एक से दूसरे को फैलने की क्षमता ज़्यादा रखता है। चलिए साथ की बात में अब नजर डालते हैं भारत की राजनीति पर। भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बढ़ती कीमतों और पेगासस जासूसी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाने का वादा किया था, उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छिन गया। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को दबाने का है, उनका यही काम है। हिंदुस्तान के 2-3 उद्योगपतियों के लिए वो काम करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हिंदुस्तान की सरकार रोजगार की बात करने देती है, क्या हिंदुस्तान की सरकार किसानों की बात करने देती है। अभी दिल्ली में छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या हो गई, लेकिन क्या ये खबरें आपने कहीं मीडिया में देखी? इनका लक्ष्य है हिंदुस्तान के युवा की आवाज को दबाने का, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन भारत के युवाओं ने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार खत्म हो जाएगी। तो आइए आपको भी सुना देते हैं कि राहुल गांधी किस तरह से बरस पड़े केंद्र सरकार पर। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का मुद्दा है, इससे बड़ा मुद्दा आज देश के सामने नहीं है। बात सही बोली या गलत बोली? प्रधानमंत्री सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में? नहीं, उल्टा लाखों करोड़ों युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। हम दो, हमारे दो की सरकार है और ये सरकार सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। आज आप देखिए लोकसभा में, लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन ने प्लाकार्ड पकड़ रखे हैं, मगर लोकसभा टेलीविजन पे आपको ये सच्चाई नहीं दिखाई देगी। लोकसभा टेलीविजन पे आपको बीजेपी के एमपी बोलते हुए दिखाई देंगे, मगर जो लोकसभा की सच्चाई है वो हिंदुस्तान को नहीं दिखेगी। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी का काम हिंदुस्तान की सच्चाई को छुपाने का, दबाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बात की। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से संवाद किया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जब देश कीर्तिमान हासिल कर रहा है तब विपक्ष संसद को ठप कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं परिश्रम से तय होता है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली से जो अनाज भेजा गया उसका एक एक दाना गरीबों को मिला है। पहले की सरकारों में अनाज की लूट होती थी, लेकिन अब वैसा नहीं हो रहा। पीएम मोदी कहते हैं कि अगस्त के महीने की शुरुआत उपलब्धियां लेकर आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इतिहास 5 अगस्त की तारीख वर्षों तक याद रखेगा। 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई गई थी। पिछले साल राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भी इसी दिन हुई और इस साल हॉकी में भारतीय टीम को 4 दशक के बाद मेडल मिला है। व
रेहड़ी पटरी ठेला लगाने वाले बहन भाइयों की आजीविका फिर से पटरी पर आए, इसके लिए उनको बैंकों से जोड़ा गया है। बहुत कम समय में ही इस योजना के तहत यूपी के लगभग 10 लाख साथियों को इसका लाभ देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। साथियों, बीते दशकों में उत्तर प्रदेश की हमेशा क्या पहचान बनी, क्या उल्लेख होता था उत्तर प्रदेश का, आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीति के चश्मे से देखा गया। यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भूमिका निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई। दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा कि भारत की समृद्धि का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीति का ही केंद्र बनाए रखा। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। इन लोगों की संकीर्ण राजनीति में भारत के इतने बड़े राज्य को भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया। हां, कुछ लोग जरूर समृद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े। इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध किया। मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश ऐसे लोगों के कुचक्र से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार ने यूपी के सामर्थ्य को एक संकुचित नजरिए से देखने का तरीका बदल डाला। पिगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। ये अर्जियां पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर्स गिल ऑफ इंडिया की तरफ से दायर की गई। पिटीशंस की मांग है कि पेगासस मामले की एसआईटी जांच करवाई जाए। इस केस की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि अगर जासूसी से जुड़ी रिपोर्ट सही है तो यह गंभीर आरोप है। साथ ही पिटीशनर्स ने कहा है कि वे अपनी अपनी अर्जियों की कॉपी केंद्र सरकार को भेजे। इस केस की अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि जासूसी की रिपोर्ट 2019 में सामने आई थी, लेकिन ये नहीं पता कि इसके बारे में किसी ने ज्यादा जानकारी जानने की कोशिश की या नहीं। साथ ही एक पिटीशनर ने कहा है कि मैं हर केस के तथ्य को नहीं देख रहा। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उनके फोन इंटरसेप्ट किए गए, तो ऐसी शिकायतों के लिए टेलीग्राफ एक्ट है। पत्रकार एन राम और शशि कुमार की तरफ से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा है कि पेगासस एक खराब तकनीक है जो हमारी जानकारी के बिना हमारी जिंदगी में दखल हो जाती है। यह हमारी निजता, गरिमा और हमारे गणतंत्र के मूल्यों पर हमला है। सिब्बल ने कहा है कि स्पाईवेयर सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही बेचा जाता है और निजी संस्थाओं को नहीं बेचा जाता। सिब्बल ने दलील दी कि पत्रकार, संवैधानिक संस्थाएं, अदालत के अधिकारी और शिक्षाविद तक स्पाईवेयर के टारगेट पर थे। ऐसे में सरकार को जवाब देना है कि स्पाईवेयर किसने खरीदा, हार्डवेयर कहाँ रखा गया और सरकार ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई। मैं चाहता हूँ कि सरकार को नोटिस जारी किया जाए। वही एक शिक्षाविद की तरफ से पेश वकील श्याम दीवान का कहना है कि इस मामले की अहमियत बहुत ज्यादा है, इसलिए स्वतंत्र जांच करवाई जाए। इस केस में सबसे उच्च स्तर के ब्यूरोक्रेट के जरिए जवाब दिया जाना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी को नियुक्त करने पर प्राथमिकता से विचार होना चाहिए। वहीं कुछ पत्रकारों की तरफ से पेश वकील अरविंद दत्तर ने कहा है कि लोगों की निष्ठा सबसे बड़ी होती है और प्राइवेसी का ख्याल रखा जाना चाहिए। पिटिशनर से अपील की है कि पेगासस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जज की अध्यक्षता में गठित SIT से करवाई जाए। केंद्र को बताने के लिए कहा जाए कि क्या सरकार
या फिर उसकी किसी एजेंसी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जासूसी के लिए पेगासस स्पायवेयर का इस्तेमाल किया है? क्या पेगासस स्पायवेयर का लाइसेंस लिया? पिटिशनर्स ने यह भी कहा है कि मिलिट्री ग्रेड के स्पायवेयर से जासूसी करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। पत्रकारों, डॉक्टर्स, वकील, एक्टिविस्ट, मंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं के फोन हैक करना बोलने की आजादी के अधिकार से समझौता करना है। वही खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप का दावा है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से 10 देशों में 50,000 लोगों की जासूसी हुई। भारत में भी अब तक 300 नाम सामने आ चुके हैं जिनके फोन की निगरानी की गई। इसमें सरकार में शामिल मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, जज, कारोबारी अफसर, वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट शामिल हैं। पेगासस पे जो आज इशू विपक्ष बार बार उठा रहा है वो इतना बेबुनियादी इशू है, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से नकार ही दिया है। जब विपक्ष वाले बोलते हैं कि हमारी जासूसी हो रही है, उनकी जासूसी से हमें फ़ायदा क्या होगा पहले ये बता दें। दूसरा, जासूसी के लिए अगर वो बोल रहे हैं तो हमने कहा आप कोर्ट जाइए, कोर्ट गए, हमने कहा आप FIR कराइए। वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उन्हें कहा है कि अगर आपको इतना शक था तो आपने इस पर FIR क्यों नहीं कराई सरकार के खिलाफ। तो हमारा ये कहना है ये सिर्फ और सिर्फ संसद में हंगामा, ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो कोई भी बिल पास ना कर सके जो जनता के हित के लिए हो, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आज तक विपक्षी पार्टियों ने कभी जनता के हित का तो सोचा नहीं है, और आज भी उनका यही काम है कि वो जनता के हित का ना सोच कर सिर्फ और सिर्फ जो है इस वक्त राजनीति कर रहे हैं, ताकि किस तरीके से डीरेल की जाए, किस तरीके से ये मानसून सत्र जो पार्लियामेंट का है वो ख़राब किया जाए और उसको जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। लेकिन ये भाजपा पार्टी है, समझ लेंगे, ये रिजल्ट निकाले बगैर काम नहीं करती, ये रिजल्ट निकाल के ही रहती है। और यही रीज़न है कि चाहे आप चाहें, चाहे आप ना चाहें, चाहे आप संसद को ख़राब करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन बिल तो पास होंगे जी, क्योंकि वो जनता के हित के लिए, इसलिए वो पास होने ज़रूरी हैं। और हमारा ये मानना है कि विपक्ष को भी ऐसे अड़ंगे नहीं डालने चाहिए। उनको प्रॉब्लम ये है कि आने वाले 2022 इलेक्शन में, जो यूपी के इलेक्शन है, उसमें तो हम हार जाएंगे। अगर इन लोगों ने पहले जनता के हित के इतने सारे काम कर दिए हैं, भाजपा सरकार ने इतने बिल पास कर दिए, चाहे वो ट्रिपल तलाक को लेके बिल हो, चाहे धारा 370 हटाने पर हो, चाहे राम मंदिर बनाने पर हो, चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बिल हम तो अड़ंगा डालेंगे, कभी पास नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार ने पास करवा दिए। आज भी वही रीज़न है कि बिल जो है वो पास नहीं होने देने चाह रहे, और इसीलिए हंगामा संसद में है। पेगासस एक बेसलेस इशू है, अगर उनको लगता है इसमें कोई सच्चाई है तो FIR कराइए। पाकिस्तान में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने मंदिर को निशाना बनाया। ताजा मामला पंजाब के भूंग शहर का है। दिन दहाड़े मजहबी उन्मादियों ने स्थानीय गणेश मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में किस कदर अल्पसंख्यकों को कुचला जा रहा है, उनकी धार्मिक आजादी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कट्टरपंथियों ने मंदिर को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। मूर्तियों को भी खंडित करने से नहीं हिचके, झूमर और कांच की सजावट को भी तोड़ डाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी इनके अंदर जो हीन भावना है वो भरी हुई है कि वो मंदिर परिसर में उसे निकाल रहे हैं। मंदिर पे हुए इस हमले के बाद स्थानीय हिंदुओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है, काफी गुस्सा है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन मामले की लीपापोती करने में जुटा है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि अब इसमें सख्ती से पेश किया जाएगा। अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई, लेकिन जल्दी गिरफ्तारी होगी ऐसी जानकारी मिली है। जबकि वीडियो में सभी हमलावरों के चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं, और वो चेहरे हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखा भी रहे हैं। वो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता इंदू पंचायत के संरक्षक जय कुमार धीरानी ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिले के भोंग शरीफ में मंदिर पर हुए इस नृशंस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। यह हमला पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। मैं अधिकारियों से दोषियों को सलाखों के पीछे डालने का अनुरोध करता हूं। पाकिस्तान में हाल के दिनों में कट्टरपंथियों के हमले बढ़ गए हैं।
खासतौर पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान हिंदू लड़कियों के अपहरण की वारदातें आम हो गई हैं। लड़कियों का अगवा कर कट्टरपंथी दोगुने से भी ज्यादा उम्र के मुसलमानों से जबरन उनकी शादी करवा देते हैं। जुबान खोलने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट्स के एक सर्वे के मुताबिक बंटवारे के वक्त पड़ोसी देश में कुल 428 बड़े मंदिर थे। धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती चली गई। मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल्स, दफ्तर, सरकारी स्कूल या फिर मदरसे खोल दिए गए। आज आलम यह है कि यहाँ सिर्फ 20 बड़े मंदिर बचे हैं और जो बचे हैं उनका हाल क्या हो रहा है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 15% थी। हुकूमत की दमनकारी नीतियों और कट्टरपंथियों के हमलों से यह आंकड़ा लगातार कम होता चला गया है। जबरन धर्म परिवर्तन इसकी सबसे बड़ी वजह है। जो हिंदू बच्चे हैं उन्हें लगातार कट्टरपंथियों के हमले झेलने पड़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि यहाँ 3% से भी कम हिंदू आबादी बची है। साल 2019 महीना अगस्त का और तारीख 5, ये इतिहास का वो गुजरा समय है जिसने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि भारत और दक्षिण एशिया के ही भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। इसी दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में कानून लाकर जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया। इसके अलावा केंद्र ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया और दोनों केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। इस तारीख के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था में कई बदलाव हुए हैं। सबसे पहले आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकवाद की घटनाओं में करीब करीब 60% की कमी आई है। श्रीनगर, बड़गाम, गंदरबल, कुपवाड़ा जैसे इलाके अब अपेक्षाकृत शांत हो गए हैं। गुपकार गठबंधन अस्तित्व में आया, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का एक बड़ा असर ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की कई राजनीतिक पार्टियां एक मंच पर आ गई। इन पार्टियों ने गुपकार नाम का एक अलायंस बनाया। इस अलायंस में जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। इसके अलावा कई दूसरे नेता भी शामिल हुए हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस बहाल करना है। ये संगठन केंद्र से लगातार ऐसी मांग कर रहा है। DDC चुनाव में कामयाबी, ये भी एक बड़ी उपलब्धि रही। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद प्रदेश में कई राजनीतिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। दिसंबर 2020 में राज्य में जिला विकास परिषद के चुनाव 30 साल बाद कराए गए। इस चुनाव में गुपकार गठबंधन को जीत मिली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के बड़े नेताओं से मुलाकात की और राज्य में चुनाव कराने की संभावनाओं पर विचार किया। अब जम्मू कश्मीर का अलग झंडा नहीं है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद श्रीनगर सचिवालय पर लहराने वाला जम्मू कश्मीर का अलग झंडा अब इतिहास बन गया है। अब वहां जम्मू में भी भारत का तिरंगा शान से लहराता है। जम्मू कश्मीर की बेटियों को हक, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव वहां पर देखने को मिला है इन 2 सालों में। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। अब अगर जम्मू कश्मीर की बेटियां प्रदेश के बाहर के किसी नागरिक से शादी करती है तो उसके पति और बच्चे बच्चियों को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल सकेगी। इससे पहले महिलाओं को यह अधिकार नहीं था। कश्मीरी पंडितों की वापसी की कोशिश, ये सबसे बड़ा बदलाव 370 हटने के बाद आया है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद केंद्र प्रदेश प्रशासन राज्य में कश्मीरी पंडितों को फिर से वापस लाने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा में सरकार ने कहा है कि 3,841 कश्मीरी युवा जो है वो राज्य वापस आ रहे हैं और जगह जगह नौकरियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के लिए प्रदेश में कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। कई कश्मीरी पंडितों को राज्य में नौकरियां भी दी गई हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी उपलब्धि, पत्थरबाजों को ना नौकरी ना वीजा, जो हाल ही में कुछ दिन पहले सामने आया। जम्मू कश्मीर में पहले पत्थरबाजी की घटनाएं आम थी। सैनिकों और पुलिस कर्मियों पर आतंकी और उनके शागिर्द अक्सर पत्थरबाजी करते थे, लेकिन 370 की समाप्ति के बाद प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर में सख्ती की। इसका नतीजा यह रहा कि पत्थरबाजी की घटनाएं एकदम कम हो गई हैं। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फैसला किया है कि पत्थरबाजी में शामिल लोगों को ना तो सरकारी नौकरी दी जाएगी और ना ही उन्हें किसी तरह की सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा प्रशासन ऐसे दागी लोगों का वीजा वेरिफिकेशन भी नहीं करेगा। इससे ऐसे लोगों के देश से बाहर जाने के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। ये आदेश 31 जुलाई को जारी किए गए हैं, यानी कि अब से कुछ दिन पहले ही। जम्मू कश्मीर कैडर का विलय,
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि आईएएस आईपीएस आईएफएस के लिए जम्मू कश्मीर के कैडर को खत्म कर दिया गया और इसका विलय अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश के साथ कर दिया गया। केंद्र सरकार ने फैसला जम्मू कश्मीर में अधिकारियों की किल्लत को दूर के लिए किया है, यानी कि इन दो सालों में ये मुख्य बदलाव हुए हैं जो हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताए हैं। समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल यात्रा पर निकलने से पहले पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस वक्त कार्यालय पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि 2022 के चुनाव में सपा 400 सीटें जीतेंगी। जनता भाजपा से नाराज है, भाजपा सरकार ने जनता को धोखा दिया है। आगे इसी तरह की जो बयानबाजी है वो लगातार सपा में देखने के लिए मिल रही है। क्या कुछ कहते हैं सपा के नेता वो आपको सुनवाते हैं। जो भाजपा सरकार के काले कानून अत्याचार बेरोजगारी अत्याचार के खिलाफ हम लोग संग्रहालय के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न जैसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज साइकिल यात्रा निकाली जा रही है हर तहसील स्तर पर। और आज हम सदर तहसील में हैं, इसी तरह से पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में सब तहसीलों पर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। और आने वाले समय में 2022 में इस जुल्मी तानाशाही सरकार को घर देखने के लिए ये जो है हम सब लोग पूरे समाजवादी कार्यकर्ता आतुर हैं, सड़कों पर उतर चुके। तो जहां अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दम रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी उपलक्ष में एक बड़ी साइकिल यात्रा निकाली गई है। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता, पदाधिकारी साइकिल यात्रा में मौजूद रहे। नेताओं का क्या कुछ कहना है एक बार वो भी सुन लीजिए। हम सबके आदर्श नेता छोटे लोहिया के नाम से जिन्हें पूरा देश सम्मान से जानता रहा, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की आज जयंती है। हम लोगों ने उनकी जयंती को बहुत ही प्रेरणा दिवस के तौर पर पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया कि अरणी लोहिया जी की जयंती पर, स्वर्गीय जनेश्वर जी की जयंती पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर तहसील पर पार्टी के लोग साइकिल यात्रा लेके निकल गए। पार्टी ने मुझे बधाई जनपद की जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी के तहत आज आपके सबके बीच में अपने सभी बधाई के पार्टी के अपने अध्यक्ष जी से लेके बधाई जी और पूरे जिले के पार्टी के साथियों के साथ विशेषकर ये बदायूं तहसील की साइकिल यात्रा निकल रही है। अलग अलग तहसीलों में अलग अलग यात्राएं चल रही। ये साइकिल रैली के उद्देश्य क्या रहे इस यात्रा का? साइकिल रैली के कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी ने फैसला दिया कि सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, महंगाई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे साथ की बात में उन तमाम खबरों के साथ जो सीधे आपसे जुड़ी रहती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।